नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने वाले किसानों से, और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे मेरठ के विनोद सैनी से, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती से, यानी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से दूसरे किसानों को जोड़ने का काम किया है, और कई सालों से वो लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने केचुए के द्वारा बनाई जा रही जो मिट्टी है, जो उर्वरक है, उसका इस्तेमाल करके गन्ने, मसूर, चना जैसी अन्य फसलों को उगाने का काम किया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामलों में काफी आगे है, लेकिन यहाँ के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंग नहर के किनारे बसे होने के कारण यहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसी कारण विनोद सैनी पिछले कई सालों से अपने खेत में केचुए से तैयार खाद का प्रयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही सफल किसान की बात करेंगे जो कि मेरठ से ताल्लुकात रखते हैं, विनोद सैनी जी, जिन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती का इस्तेमाल करके ना केवल अपने खेतों को उपजाऊ बनाया है, बल्कि जो उनकी फसलें हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती हैं। अब ऐसे में वो जो केचुए के द्वारा खाद बनाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है, क्या कुछ उसके फ़ायदे हैं, क्या कुछ लाभ है, ये सब जानने के लिए चलते हैं मेरठ ज़िले के सरधना तहसील के कुशावली गाँव की ओर। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए रसायनों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। रसायनों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। इसका सही निदान है कि हम खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर जैविक तरीके से केचुए आदि से तैयार खाद का प्रयोग करें। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए विनोद सैनी ने केचुए से तैयार होने वाली खाद की एक यूनिट लगा रखी है, जिससे वे जैविक खाद बनाकर किसानों को देते हैं। इनके अलावा दूसरे किसान भी केचुए से तैयार खाद का उपयोग कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इनकी संस्था भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। जैविक खेती के लिए हमारे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है तो उसके लिए प्रारंभिक चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक
केंचुए की खाद है। तो उस दिशा में सोचते हुए आज हमारे सामने एक चुनौती है कि हम किस तरीके से रासायनिक खाद को कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दें। खेत में जैविक खेती के फायदे को जान कुशावली के किसान विनोद सैनी गन्ना बहुल अपने क्षेत्र में वसंत कालीन गन्ने की बुआई के साथ ही शरद कालीन गन्ने की भी बुआई करते हैं। इससे वे गोवंश के गोबर और गोमूत्र में केचुए के उपयोग से बने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बनाने में करते हैं। गन्ने के साथ वे सह फसल के रूप में मसूर, चना, फूलगोभी, बंद गोभी की भी फसल लेते हैं, जिससे गन्ने की फसल की पूरी लागत निकल आती है। हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकतर गन्ना जो है वो बसंत कालीन गन्ने की बुआई की जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं शरद कालीन बुआई भी करते हैं, जिसमें गन्ने के साथ हम सह फसल लेते हैं, जैसे चना मसूर, गन्ना मसूर, गन्ना चना, और गन्ने के साथ में आप गोभी की फसल भी ले सकते हैं, बंद गोभी की फसल भी ले सकते हैं, फूल गोभी की भी ले सकते हैं, सरसों भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं वो गन्ना मसूर और गन्ना चने का कर रहे हैं। जैविक उत्पादों के बाजार में अच्छी मांग है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के कारण जैविक उत्पादों के दाम भी बेहतर मिलते हैं। विनोद बताते हैं कि एक बार उन्होंने गन्ने के साथ फूल और बंद गोभी भी लगाई, जिसमें उनको अच्छा फायदा हुआ। क्रॉप साइकिल अपनाने से फसल भी अच्छी मिलती है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। वे कहते हैं कि किसान क्रॉप सिस्टम को अपनाए। गन्ना के साथ में सह फसल का एक विकल्प है चना और मसूर। एक साल हम लोगों ने गन्ने के साथ में फूल गोभी भी लगाई थी, साथ में बंद गोभी भी थी, भाव अच्छा मिला और एक एकड़ खेत में करीब 80,000 रुपये की बिक्री हुई। लागत अगर काट के देखें तो करीब 60,000 रुपये हमें एक एकड़ खेत से मिले, यानी कि 12,000 रुपये प्रति बीघा की हमें आमदन हुई। साथ ही साथ हम लोग क्रॉप साइकिल का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग धान लगाते हैं, धान के बाद फिर बुआई करते हैं आलू की, आलू के बाद फिर एक क्रॉप लेते हैं इसमें सब्जी की, जिसमें टमाटर होता है, खीरे होते हैं, लौकी होती है, तो इससे अतिरिक्त आय भी मिलती है। साथ साथ हमारा क्रॉप सिस्टम बनने से हमारी सोयल भी जो है स्वस्थ रहती है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों के बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता। फिलहाल वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे विनोद सैनी के द्वारा तैयार की गई केचुए की खाद के बारे में और साथ साथ हम चर्चा करेंगे बासमती चावल के लिए तैयार की जाने वाली नर्सरी के बारे में। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर।
नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए अब विनोद सैनी जी के द्वारा तैयार की जाने वाली खाद के खरीदारों को लेकर बात करते हैं और साथ ही जान लेते हैं कि बासमती चावल के लिए नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए रुख कर लेते हैं किसान हरेंद्र कुमार और कृषि वैज्ञानिक का। जैविक खेती करने वाले विनोद सैनी अपने खेत में गन्ना, दलहन, तिलहन, सब्जी उत्पादन के अलावा वर्मी खाद का भी उत्पादन करते हैं। वर्मी खाद को खरीदकर दूसरे किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो। ऐसे ही एक खरीदार हरेंद्र कुमार वर्मी खाद के बारे में बताते हैं। मैं आज विनोद सैनी जी के पास आया हूँ जी, चिराग फार्म पर, और यहाँ से मैंने कैचवा लिया है और कैचवे से मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का करना है और मैंने सह फसली की हुई है गन्ना प्लस टमाटर, और उसी को मैं वर्मी कंपोस्ट को उसमें ऐड करते हुए और इसी से जो है मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। और दूसरे लोग अपने जो और फार्मर हैं उनको भी एडवाइस दूँगा कि आप जो है ये जहर मुक्त खेती करिए और कैचवा या फिर गोबर की खाद डाल लें और इसी पे वर्क करिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है भाई साहब के पास आज कैचवा देने आया हूँ। गेहूं की फसल कटने के बाद किसान खेतों में चावल उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। कई किसान खेतों में बासमती चावल उगाना चाह रहे हैं। अप्रैल माह में खेतों में इसकी नर्सरी तैयार की जाने लगती है। ऐसे में बासमती चावल के अच्छे उत्पादन के बारे में बेहतर जानकारी होना किसानों के लिए जरूरी है। बासमती चावल के बेहतर उत्पादन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है कृषि वैज्ञानिक रितेश शर्मा जी। बासमती चावल की नर्सरी तैयार करने के बारे में रितेश जी कहते हैं, अभी आगामी खरीफ सीजन के लिए किसान भाइयों को आवश्यक है कि वो बीज की सुनिश्चितता करें, अच्छा बीज उनको कहाँ से मिल सकता है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने खेत में जो आपकी भूमि है उसमें किस प्रजाति का आपने चयन करना है, क्योंकि बासमती में कई प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। कुछ कम समय की हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं और कुछ और ज़्यादा समय लेती हैं। तो अधिकतर किसान भाई जो कम समय की प्रजाति बोना चाहते हैं उनके लिए पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 बहुत अच्छे विकल्प के रूप में हैं। इसके अलावा आप जो पूसा बासमती 1121 लगाते हैं उसमें सुधार हो के अभी पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1718 भी उपलब्ध है, जिसका किसान भाई चयन कर सकते हैं। जो बासमती में तीसरा सेगमेंट आता है वो आता है तुड़ल का, जिसे हम मुच्छल या रूसी भी बोलते हैं। इसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1886 आदि प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। तो किसान भाई पहले ये तय करें कि उनके खेत में उनकी क्या आवश्यकता है और कौन सी प्रजाति वो आसानी से अपने यहाँ उगा सकते हैं, जिससे अधिक उपज लेकर के अधिक कमाई कर सकें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, आपने यदि प्रजाति का चयन कर लिया तो बीज कहाँ से लेना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। कई बार हमें अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता, किसान मेहनत करता है और बाद में उसकी फसल जो होनी चाहिए वो नहीं होती और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो जागरूक किसान वही है जो पहले से ये तय करे कि उसको बीज कहाँ से लेना है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं जैसे कि पूसा संस्थान है या बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान है, यहाँ पर बीज एक निश्चित समय के लिए मिलता है, क्योंकि हर किसान चाहता है वहाँ से बीज मिले। तो आप वहाँ पहले जाएँ, पहले बीज लें। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान में आपको 20 अप्रैल से बीज मिलना शुरू होगा। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं,
आप अपने निकटतम कृषि विश्वविद्यालय में भी पता करें कि उनके यहाँ से कब बीज मिलना शुरू होता है, और विश्वविद्यालय से लें, पूसा संस्थान से लें, BEDF से लें, कहीं से भी लें, लेकिन अच्छी जगह से बीज लें। बासमती चावल की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए बेहतर किस्म के बीज से नर्सरी तैयार करना जरूरी है। साथ ही जरूरी है इस नर्सरी में तैयार पौध को सही समय पर रुपाई करना, जिससे फसल बेहतर हो। इस बारे में जानकारी देते हुए रितेश जी कहते हैं कि नर्सरी में तैयार पौध का सही समय पर रुपाई होना भी बेहद जरूरी है। नर्सरी के पौधों की रुपाई देर से होने पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक रितेश जी कहते हैं, हमारा काम है, हम जब हम खेती कर रहे हैं तो हमारे खेत के अंदर, हमारी नर्सरी के अंदर एक एक दाना मजबूत पहलवान जाना चाहिए। जब पहलवान जाएगा तभी उसकी संतान पहलवान वाली बनेगी, मतलब फसल अच्छी होगी। तो जब फसल अच्छी चाहिए तो एक एक दाने को आपने देखना है कि सबसे अच्छा है कि नहीं है। अब एक एक दाना देखना तो संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत आसान तरीका। आपने एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में पानी भरना है, और यदि आपके घर में नमक होगा, नहीं तो 10 रुपये की एक थैली आती है, वो नमक को आप उस पानी में यदि मिला लेंगे थोड़ा सा, तो पानी की ग्रेविटी बढ़ जाएगी। पानी की ग्रेविटी बढ़ जाने से अब क्या करना है, हमें जो बीज का थैला आप लाए हैं उस पानी में, उस बर्तन में धीरे धीरे उस बीज को गिरने दीजिए, और फिर दो एक बार ऐसे हाथ चला दीजिए या कोई लकड़ी चला दीजिए। क्या होगा, कुछ दाने तो ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ नीचे बैठे होंगे। तो जितने दाने ऊपर तैर रहे हैं, यानी कि पानी में जो तैर रहा है, इसका मतलब सब जानते हैं वो क्या है, हल्का दाना है। हल्का दाना है या तो वो बीमारी ग्रस्त है या वो कमज़ोर है, और जो कमज़ोर होगा उसकी संतान भी कमज़ोर ही होगी। तो कमज़ोर को हमने अपनी नर्सरी में नहीं ले जाना है। जितने भी दाने तैर रहे हैं उनको निकाल के सबको आपने अलग कर देना है, और जो तली में बैठा है, जो बढ़िया दमदार, जिसमें ताकत है, दम है, पहलवान है, मजबूत है, विगर है, ओज है, संतान पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है, वो तली में बैठा है, उसको निकालिए, दो बार साफ पानी से निथार लीजिए, उसके बाद आपने उसको नर्सरी में प्रयोग करना है। बासमती चावल की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि बासमती चावल की खेती में वृद्धि हो रही है। आज करीबी देशों में बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में।
चलिए अब हम बात करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके अधिकारियों के पास चलते हैं और साथ ही साथ हम कृषि वैज्ञानिकों से भी बात करते हैं कि कैसे वो कृषि के क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, कैसे वो बता रहे हैं कि उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर पी के सिंह बताते हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर धान और गेहूं का फसल चक्र है और गन्ने में भी है, जहां पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है, वहां पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है, ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। खेतों में अनाजों के उत्पादन के साथ ही मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सक्रिय हैं। कृषि के मामले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। किसानों को मत्स्य पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन के बारे में जानकारी देने के लिए भी कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं। आइए मत्स्य पालन के बारे में जानने के लिए चलते हैं मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर डीबी सिंह के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मत्स्य के क्षेत्र में किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करता है और भविष्य में किस किस कार्यक्रम के आयोजन की संभावनाएं हैं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं किसान भाइयों और महिलाओं और युवाओं को कि कृषि के क्षेत्र में मत्स्य पालन का बहुत ही महती योगदान है, जिसमें हमारी सबसे आसानी से पालने वाली 6 प्रजातियां हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें 3 भारतीय प्रजातियां हैं रोहू, कतला, नैन, और 3 विदेशी प्रजातियां हैं सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प, जिसे किसान भाई एक ही तालाब में आसानी से पाल सकते हैं। और ये प्रजातियां आपस में एक दूसरे से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं करती हैं, एक ही तालाब में दो दो मछलियां एक एक सतह पर रहती हैं, तालाब 3 सतहों में बटा होता है। इसका प्रबंधन करने के लिए सर्वप्रथम हमें तालाब की तैयारी अच्छी तरह से करके उसके बाद मछली के बीज का 1 हेक्टेयर में 10,000 से 12,000 अंगुलिका का संचय करना चाहिए। तत्पश्चात हमें ये गणना कर लेनी चाहिए कि हमें 2% से 3% के हिसाब से शरीर के वजन के हिसाब से इन्हें प्रतिदिन भोजन देना होता है। चूँकि ये जीवधारी हैं, इनके शरीर की आवश्यकताएं हैं, मानव प्राणी की तरह इन्हें भी अपनी वृद्धि, ग्रोथ और अन्य क्रियाओं के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नितांत आवश्यक है प्रतिदिन भोजन 2 से 3% शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाए। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना,
स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो, या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोज़गार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियाँ आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं, और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है, अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएँ, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। और कई बार हमारे मोबाइल क्लिनिक भी है, वो जा करके वहाँ पर उनकी समस्याओं को, जो पशुओं की समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका इलाज करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय है। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे आज का किसान जैविक खेती करके आगे बढ़ रहा है और सफलता को लेकर नया मुकाम हासिल कर रहा है। आज के इसी कड़ी में हमने आपकी मुलाकात मेरठ के विनोद सैनी से करवाई और आगे भी अलग अलग एपिसोड्स में हम ऐसे ही सफल किसानों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई प्रश्न है या फिर आप कोई हमें सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेल गांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।